नमस्कार दोस्तों, सिनेमा टेक मीडिया वॉक्स के टैलेंट टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस, समायरा खान जी। समायरा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। तो बात करते हैं समायरा खान जी से आज, और बात करते हैं कि जर्नी के बारे में। तो समायरा खान जी, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं, यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताएं, आपने जो यहाँ तक का सफ़र तय किया है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन। एंड मेरी जो जर्नी है वो बहुत रोलर कोस्टर की तरह है अब तक जो मैंने तय किया है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट बिफोर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन एक्ट्रेस इन दिस इंडस्ट्री। सो व्हेन आई वॉज वर्किंग देन आई वॉज फीलिंग लाइक कि यार ये क्या कर रही हूँ, बिकॉज यू नो there is something is always pains you if you are not doing what you really love to, and acting is my passion. I really want to do from my childhood. So while I was working in a corporate and I was looking for the some creative content or something kind of things, so I was thinking ki yaar ye jo likh rahe ye jo kar rahe usse zyada better to main kar leti hu. So that's a pinch, you know, that's the pinch that I got in that time. यार ये सारी क्रिएटिव चीजें तो आई नो बेटर एंड आई कैन डू वेल। एंड देन वन टाइम वन डे ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था और वो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, बट आई डिडंट गेट द क्रेडिट। सो आई वाज थिंकिंग दैट यार इफ आई एम सो क्रिएटिव एंड आई वर्किंग सो वेल, सो आई डोंट वेस्ट माय टाइम हियर इन कॉर्पोरेट एंड रादर देन डू समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू डू, आई रियली लव टू डू। So one fine day I have decided कि मैं थिएटर ज्वाइन करूँगी, और मॉर्निंग का टाइम था, मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते में थिएटर पड़ता है हमारा NST, तो मैं NST चली गई और वहाँ पे जाके मैंने जो है पूछा कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं, मुझे NST ज्वाइन करना है। सो वहाँ पे ऑलरेडी जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने मुझे बहुत सारी लिस्ट बता दी, ये चीज़ें होनी चाहिए। देन आई सी ओ माई गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, जो मैं कर रही हूँ वो तो फिर मुझे पता है, बट दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर मी एंड इसको स्टार्ट करने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देन फाइनली मैंने वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे, तो मैंने वो सोचा कि यार एक काम करती हूँ, मैं एक बार थिएटर देख लेती हूँ, प्ले देख लेती हूँ, और उसके बाद डिसाइड करूँ कि वेदर दिस इज गुड फॉर मी और नॉट। तो वहाँ पे मैंने प्ले का एक नंबर था, उस नंबर पे मैंने डायल किया और कॉल किया और बात हुई मेरी किसी से, और वो लोग जो है एक बहुत अच्छा सा प्ले आपने सुना होगा, पंच लाइट करके प्ले है, मुंशी प्रेमचंद जी की, वो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों का ये प्ले होने वाला है, आप आना चाहती तो आके आप पार्टिसिपेट कम एंड वॉच द शो। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, फाइनली मैंने somehow I managed and मैं वहाँ पे गई और मैंने वो प्ले देखा, मुझे बहुत ही मजा आया। देन आई डिसाइडेड कि डूड ये तो मुझे करना है लाइफ में और यही करना चाहती हूँ मैं जिंदगी में। एंड देन उसके बाद क्या था, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और उसके बाद काफ़ी साल मैंने थिएटर किया, जॉब किया, उसके साथ साथ अपना कमर्शियल काम भी करती रही, और देन काफ़ी प्लेस किए मैंने दिल्ली में, श्रीराम सेंटर में किया, जो मेरे गुरु हैं वो NSDN हैं, सुंदरलाल छाबड़ा उनका नाम है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू लाइक यू कंप्लीटेड योर MBA राइट, एंड आफ्टर दैट यू joined a corporate in Delhi. Yes. So, वो experience कैसा था? Corporate life. आपने सीखा तो जरूर होगा वहाँ से. Of course. Trust me, I'm telling you. अगर कोई actor बनना चाहते हैं और acting करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ ऐसे अपने अंदर ना सपने लेके, ख्वाब लेके मत जाओ, उसके साथ experience लेके जाओ। जब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, आपको लोगों को डील करने का एक्सपीरियंस होता है, कॉर्पोरेट का नॉलेज मेरे लिए बहुत काम आया, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू मीट, एवरीथिंग। मतलब इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी इवन, तो कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी भी बहुत काम आती है, मतलब मेरे लिए तो काम आई है, बिकॉज आई एम MBA तो आई नो, मतलब मेरे लिए हर एक चीज़ केस स्टडी होता है और मैं उसी के हिसाब से चल रही थी, और हर एक इंसान मेरे लिए एक क्लाइंट हो रहा था, जैसे कोई डायरेक्टर है या कोई प्रोड्यूसर है या कोई प्रोजेक्ट है,
तो जैसे हम डील क्रैक करते हैं ना, वैसे मैं एक ऑडिशन क्रैक करती थी और उसको मुझे ये लगता था कि ये मेरा डील है और ये मुझे डील क्रैक करना है. सो मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से मेजर करते हुए अपने करियर की शुरुआत की. मेरे लिए कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि मैं ये जर्नी इतनी आसानी से तय कर पा. एब्सोल्युटली. एंड आफ्टर दैट यू केम टू मुंबई. After that, you came here in Mumbai, right? Yes, yes. Okay. Like corporate छोड़ के, the one fine day I decided कि बस बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं करना है. And then जब मैं मुंबई आई थी तब मैं किसी को नहीं जानती थी मुंबई में, कुछ आइडिया नहीं था क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ. हाँ, बस इतना पता था कि मुझे करना क्या है, किससे मिलना वो नहीं पता था, पर करना क्या है ये डिसाइडेड था. और बहुत फोकस थी मैं जब मैं मुंबई आई. एंड किसी के थ्रू लिंक लगा के मैंने पता किया कि कोई रह रहा है, कोई मेरी फ्रेंड है, उसकी कोई जान पहचान के हैं. एंड देन वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया, घर लिया एंड बाकी चीज़ें फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुई. फिर ऑडिशंस दिए बहुत जगह पे, इवन जो बंदिश बैंदिश जो मेरी सीरीज है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा पहला ऑडिशन था. मुंबई आने के चार महीने तक आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर आराम नगर हेयर एंड देयर, जहाँ जहाँ लोग जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं चल रही थी. देन मेरी बात हुई किसी से कि यार यहाँ पे बंदिश पैलेस के ऑडिशन चल रहे हैं. आराम नगर में ही मैं किसी इंटरव्यू आई मीन किसी ऑडिशन पे गई थी, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर देयर इज अ सीरीज एंड बड़ी कास्ट है सब कुछ है. मैंने बोला आई डोंट हैव अ लिंक, आई डोंट नो द पीपल एंड ऑल दैट. तो उसमें से किसी ने बोला कि ठीक है नंबर ले लो और एक बार अपना प्रोफाइल भेज दो. प्रोफाइल के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था एक्चुअली, सिवाय थिएटर एक्सपीरियंस के. और मैंने उनको कुछ अपने दो चार फोटोज भेजी और उन्होंने मुझे कॉल किया. फोर बंगलो महाड़ा में उनका ऑफिस है, स्टील एंड स्टील प्रोडक्शन, तो उन्होंने मुझे बुलाया. बस वेरी न्यू, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ऑडिशन का कपड़े का किसी का सेंस नहीं था कैसे क्या करते हैं. एंड देन उन्होंने बस मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि आपको क्या पहन के आना है और क्या कैरेक्टर है. एंड लकीली मैंने एक प्ले किया था सपड़ों के बीच और वो जो प्ले था वो उसका थीम राजस्थानी था और बंदिश बैंडिट्स का जो थीम है वो भी राजस्थानी है. तो आई नो द टोन, यू नो आई नो द टेक्सचर ऑफ द स्टोरी एंड लैंग्वेज. एक्चुअली वो मेरे एक्सपीरियंस काम आ गया. एंड देन मैंने ऑडिशन दिया, पहली बार ऑडिशन दिया था उस तरीके से और इतनी बड़ी सीरीज के लिए. बस मैं तो मज़े में दे के आ गई. उसके एक डेढ़ महीने बाद मुझे कॉल आया कि यू आर फाइनली लॉक फॉर द शो एंड दिस इज़ अ शो एंड दिस इज दिस. एंड आई वाज वेरी लकी फॉर दैट, आई लाइक थैंक गॉड. पहला ऑडिशन था और वो मैंने ऑडिशन एक बार भी क्रैक कर दिया और मुझे जो शो मिला है वो बंदिश बैंडिट्स एंड इट्स अ हिट शो. सो व्हेन यू लैंडेड इन द फ्लोर शूटिंग फ्लोर, उससे पहले आपने थिएटर किया था. सो थिएटर्स से आप while facing the camera for the first time, that too in Mumbai, which is a very professional when it comes to, I hope you have experienced all those things. So yep. What kind of hurdles or obstructions you have faced there? To be very honest, camera is really difficult. अगर आप theater कर रहे हो तो आपको सिर्फ audience को impress करना होता है, यहाँ पे पूरा set होता है. It was a difficult for me. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अच्छी टीम थी, अच्छे लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव थे वो लोग और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया. श्रिया इन श्रिया के साथ ही मेरा सबसे ज़्यादा सीन था, तो श्रिया ने भी मुझे, तो उसका भी फर्स्ट सीरीज था, मेरा भी फर्स्ट सीरीज था, तो शी ऑल्सो हेल्प मी आउट इन दैट वे. और जो आनंद तिवारी डायरेक्टर थे इज़ वेरी गुड, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया. एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर आप अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपका जो मुश्किल घड़ी, जो मुश्किल टाइम होता है ना, ओडी से द डिफिकल्टीज वो आपको आसान हो जाती है. इफ यू गेट अ गुड पर्सन, अ गुड एनवायरमेंट, अ गुड पीपल अराउंड यू, सो दैट आई जस्ट वांट टू से यू आर ब्लेस्ड इन दैट. Who wants to come from Delhi or any other cities, because you can always tell them, what kind of advice do you want to give? Like, I just want to tell you, to those people who are aspiring actors, just believe in yourself and just follow your passion and believe that you are creative.
भ्रम में नहीं रहना है. मीन टू से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो क्रिएटिव है या वो एक्टर है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है, कुछ क्रंचीज होते हैं जहाँ पे आप पीछे हट जाते हो या आप सोचते हो कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा. टेक इट एज अ चैलेंज, जस्ट ट्राई योर लक, जस्ट ट्राई योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ, यस आई कैन डू इट. और बहुत सारे आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड देन बिल्ड योर बिल्डिंग्स, राइट. सो आपको पहले बेसिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. बेसिक स्ट्रांग करने के बाद आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बट अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप जो कर रहे हो उसको शिद्दत से करो. देखिए मुझे आपसे ये even I also tell my students and all those things ki believe in yourself. ye believe in yourself na main apne experience se bhi main dekha hu ki ye word to teen char hi hai lekin ye samajhne mein bahut time lag jata hai and you actually need experience for this because the guys who are coming without educations, proper educations and definitely without proper training, it takes more time for them because वो believe in yourself. कहीं ना कहीं जब आप when you don't know yourself तो बहुत difficult हो जाता है. What do you say on this? I think मेरे लिए yes, 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 मैं आपकी बात पे बिल्कुल agree करती हूँ because people saying believe is just a believe word is really important. Believe कहते हैं ना, believe जो है वो सिर्फ कहने की चीज नहीं होती, उस पर करना भी पड़ता है. और उसके लिए आपको खुद को समझना, खुद को जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर मैं अपने आप को नहीं समझती तो शायद मैं ये इनिशिएटिव नहीं ले पाती. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बोल्ड इनिशिएटिव था बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आई वॉज गेटिंग अ गुड सैलरी, होल्डिंग अ गुड डिजिग्नेशन, पीपल नोज. I was in a level जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ सैलरी डिस्कशन होती है और यू कैन हायर, यू नो. तो उस लेवल पे पहुंच के आप क्या चाहते हो? आप सोचोगे कि यार सेटल हूँ मैं, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ, सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, कुछ चाहिए नहीं, छुट्टी मिल रही है, सब तो है सेटल. बट एक चीज जस्ट उनको बोलना चाहूंगी, जो अपने आप में कुछ करने की इच्छा रखते हैं ना, वो कम्फर्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं. और कम्फर्ट को जो जिसने भी छोड़ा है, जब भी छोड़ा है कम्फर्ट को, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं. और वही बिलीव होता है कि आप कंफर्ट को छोड़ के भी कितना सस्टेन कर पाते हैं, कितना अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को सिचुएशंस पे ढाल के और अपनी जर्नी को तय करते हो और एक लेवल पे पहुंचते हो जो आपने डिटरमाइन किया, जो आपने सोचा, जो अपने आप गोल फिक्स किया है. सो दैट्स हाउ आई जस्ट कंसीडर इट बिलीव, कि आप अपने कर्म पे कितना, अपने सोच पे कितना बिलीव कर पाते हो, अपने डिसीजंस पे कितना बिलीव कर पाते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. And that the person takes you somewhere. अगर आपने थोड़ा भी अपने अंदर एक भी डाउट रखा अपने decisions पे, अपने belief पे, अपने idea पे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे. और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं मुझे जो आते हैं सपने लेकर और ये सोचते हैं कि डूड मैं तो आज का हीरो बन जाऊंगा या मैं हीरोइन बन जाऊंगी कुछ दिनों में, बस मुझे तो डूड हेलो एक्सक्यूज मी शॉर्टकट नहीं होता है, कुछ शॉर्टकट नहीं होता. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम मिलने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना पड़ेगा. ये सबसे ज्यादा टफ काम है. ये आप कहने को तो बोलना नहीं चाहिए. आईएएस कहते हैं कि आईएएस निकाल लो, आईपीएस बन जाओ और आपको ये हो जाएगा, बट डूड ये उससे भी ज्यादा टफ है, ये बिजनेस से भी ज्यादा टफ है. आपको हर दिन अच्छा दिखना है, हर दिन आपको मेंटेन करना है, आपको हर लोगों से मिलना है, अच्छी बात करनी है, आपको हर एक चीज में एक्सेल होना है. एज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन एज वेल. अगर आप अच्छे एक्टर तभी बन पाते हो जब आप अच्छे इंसान होते हो. सो इसीलिए मेरे ख्याल से थिएटर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एक्टिंग में. स्पेशली वी ऑलवेज सजेस्ट द किड्स लाइक दे शुड, इफ दे आर प्लानिंग टू कम फॉर एनी एक्टिंग एंड ऑल, दे शुड हैव डन सम काइंड ऑफ अ थिएटर, क्योंकि वहां से आपका एक जो बिलीव इन योरसेल्फ जो आपने कहा वो वहां से शुरू होती है. सेकंड एडुकेशन से आपको मिलता है कि बिलीव इन योरसेल्फ,
एंड थर्ड इज द एक्सपीरियंस. ये तीन जब चीजें होती है ना तब यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. एंड जो आपने अभी कहा एंड इट्स अ कंटिन्यूअस रीडिंग प्रोसेस पे आपको रहना पड़ेगा और रियलाइजेशन. सो तभी जाके ये बिलीव इन योरसेल्फ एक्चुअली बिलीव आप करना शुरू करते हैं. दैट इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट. सो आपने बहुत अच्छा कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल. ओके, मैं आपसे ये भी पूछना है कि यू हैव वर्क्ड विद इन तेलुगु इन साउथ इंडस्ट्री एज वेल, राइट? यस. हाउ यू मैनेज टू क्रैक देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू डिड देयर, इफ यू कैन जस्ट mentioned on that as well. Of course. So I just want to tell you from start, I was doing a serial called Beach Wale Babu Dekh Rahe Hain, sab TV pe aata tha. So main aise hi Telugu film ki kuch stories dekh rahi thi aur I was just thinking, you know, I was just thinking ki yaar I could get a one movie to बात बहुत बढ़िया हो जाती. मैं तो सीरियल कर ही रही हूँ बट अगर कोई मूवी मिल जाती तो अच्छा रहता. ऐसे मैं बस देख रही थी और डिस्कशन भी चल रहा था वहाँ पे. काफ़ी एक्टर्स थे, जाकिर हुसैन और काफ़ी लोग थे. तुम लोग ऐसी बात कर रहे थे सिनेमा के बारे में क्योंकि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ थिएटर. तो बातचीत होते होते अचानक से कुछ दिन के अचानक नहीं होना नेक्स्ट डे एक्चुअली, मतलब मैं तो ये कहूँ यूनिवर्स सुनता है ना. नेक्स्ट डे I got a call कि there is a film and this is this thing और आपका कुछ photos वगैरह हम लोगों ने shortlist किया हुआ है. We want to take you as a lead for this film and film का नाम है चेतिलो चाहिए सी चेपू बाबा. So बस नहीं कि ठीक है देखते हैं. मेरे को believe नहीं हुआ कि भाई मैं तो कल ही बात कर रही थी और उसके next day मेरे पास call आ गया, ये कैसे हो गया. But somehow उनका भी एक meeting हुआ मुंबई में, एक मीटिंग हुआ और एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमारी बात हुई. आई गॉट द फिल्म बट द लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट या इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग. इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग बट आई एम स्मार्ट इनफ. व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज जो वहाँ की लैंग्वेज है ना उसका मतलब समझ लो. मतलब आई यूज द टेक्निक बेसिकली कि जैसे मत लाने मतलब बात करता, पटको मतलब बोलना. तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल वर्ड्स जो मैंने समझा और समझ समझ के फिर उस लैंग्वेज को थोड़ा अडॉप्ट करने की कोशिश की, उसका टोन समझा, सिचुएशन समझा. जो सीन है मेरे पास उस सीन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, वो पहले मैंने हिंदी में समझा, उसके बाद फिर मैंने उसको तेलुगु में अडॉप्ट करके मैंने डिलीवर द डायलॉग. तो एक्सप्रेशंस था और डायलॉग्स जो है वो मैंने उसी टाइम पे अपने हाथ से रोमन इंग्लिश में लिखे थे और उसको चैलेंजिंग कैरेक्टर तो आने वाला है. आपने एक इसमें नेगेटिव रोल किया था ना, वो रविदास की जो रोल किया था उसमें, उसके बारे में. यस 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 रूपा कहानी रविदास की. दैट वाज अ नेगेटिव ग्रे व्हाटएवर यू कॉल्ड. इट्स अ फर्स्ट एवर डेब्यू फिल्म फॉर मी एंड अगेन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज़ हम लोग धूप में खेत में खेतों के बीच धूप में शूट कर रहे थे. बहुत गर्मी थी. मुझे शोले का वो सीन याद आ गया था जो वो था ना डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना और हेमा मालिनी जी धूप में गाना डांस कर रही थी तो जब तक भेजा. मुझे वो एग्जैक्टली वो वाला सीन याद आ रहा था अब जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी बिकॉज इसमें दो तीन ऐसे सीन है जो बहुत कड़क धूप में खेतों के बीच हम लोगों ने परफॉर्म किया है. चैलेंजिंग तो क्या बोलूँ, मतलब कैरेक्टर अपने आप बताता है कि यू नो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. बस उसको समझना होता है. जब आप स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे होते हैं और आप सीन पढ़ रहे होते हैं तो कैरेक्टर खुद आपको बताएगा कि वो कैसा है, उसका लहजा बात करने का कैसा है, उसके देखने का तरीका कैसा है, वो ये डायलॉग कह रहा है तो उसका क्या मतलब है, यू नो सब टेक्स्ट क्या है. तो
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ग्रे या नेगेटिव प्ले कर पाऊंगी, बट यस दिस इज द फिल्म जहां पे मुझे ये परफॉर्मेंस करने का, ये प्ले करने का मौका मिला, और मैंने अपने हिसाब से बेस्ट ही किया है, बाकी तो ऑडियंस ही जानती है। यू हैव वर्कड इन फिल्म्स, यू हैव वर्कड इन टेलीविजन एज वेल एंड द ओटीटी एज वेल, सो व्हिच वन यू फाइंड इट लाइक इट्स मोर challenging in your perspective in the acting wise or getting the work per se? Aapne bahut hi difficult question pucha, but it is very interesting, actually it is very interesting question. So yeah, maine film bhi kiya hai, series bhi kiya hai, aur सीरियल भी किया है, मतलब मैंने तो अपनी जर्नी पहले टेलीविजन से स्टार्ट किया था, बट डिफिकल्टीज टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एक्टर कोई आप कहीं भी खड़े हो, आप थिएटर में बोलना भूल गया, थिएटर भी यस थे है या तो मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई भी चैलेंजिंग कोई भी डिफिकल्टीज नहीं रहा, बिकॉज काम तो कैमरे के आगे ही करना है ना, करना तो एक्टिंग है, चाहे आप टीवी पे दिखो, चाहे सीरीज करो, चाहे फिल्म करो, चाहे थिएटर करो, मैटर करता है ऑडियंस तक पहुंचना, मैटर करता है ऑडियंस तक पहुंचना, मैटर करता है आप लोग बोलिए, या प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो मैटर करता है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसमें आप कितने ईमानदार हैं, मीडियम कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप जो कर रहे हो, आप जहाँ पे भी कर रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, आप उस चीज को कितना सीरियस लेते हैं, अगर आपको मौका मिला है परफॉर्म करने का और अपना परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, एंड यू ऑनेस्ट और नॉट यू ऑनेस्ट इन योर वर्क, कुछ डिफिकल्टीज भी। Okay, for the basically for the newcomers and all who are there in the industry, probably struggling a lot. I don't like to use the word struggle because it's not a struggle. It's a hard work which we all do it, right? And वो हम लोग एक struggle एक word use करके and especially हमारे industry में डाल के बहुत अजीब सा एक negative connotations पे जाते हैं. So that the newcomers who have come in. The reason why I'm asking you this question is like you being an actor, getting projects is sometimes is a quite bahut difficult ho jata hai aapko projects milna and all film se kabhi kabhi when we meet some actors and all they say ki yaar films hame nahi mil rahe lekin abhi kafi options hain hamare paas OTTs hain televisions hain television is very big OTT is equally big, advertising hai, and your films. So project approachable or इसे किस तरह से आपको मिलना, कौन सा आपके हिसाब से कौन सा थोड़ा respectively थोड़ा सा easy है? See, मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि easy कुछ नहीं है, आपको easy बनाना आना चाहिए. अगर आपको नहीं देखिए इजी बनाना तभी आप बना पाएंगे जब व्हेन यू हैव द प्रोजेक्ट इन योर हैंड राइट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री प्रोसेस लाइक यू मस्ट हैव गिवन ऑडिशंस फॉर टेलीविजन एज वेल यू हैव गिवन ऑडिशंस फॉर ओटीटीज सम वेब सीरीज एंड यू हैव गिवन इट फॉर टेलीविजन एज वेल सो यू हैव मेट एंड द कास्टिंग डायरेक्टर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दे आर डिफरेंट वेरिड काइंड ऑफ पीपल सो व्हेन यू मीट देम what kind of projects is you find it like ki ha ye ye better hai ya yahan pe zyada kaam hai right to waisa kuch aapko kuch experience hua hai jaise maine abhi aapko kaha ki easy banana padta hai how it's come suppose maine audition diya serial ko right मैंने ऑडिशन दिया सीरीज को मैंने ऑडिशन दिया फिल्म को मीडियम सेम है प्रोसेस सेम है कैरेक्टर अलग अलग है आपको उतना ही बार
सीरियल वाले डायरेक्टर से करना पड़ेगा, उतना ही बात सीरीज वाले डायरेक्टर से करना पड़ेगा, उतना ही बात आपको फिल्म वाले डायरेक्टर से करना पड़ेगा। जब आप कहीं पे किसी ऑफिस में है या किसी डायरेक्टर से मिल रहे हैं, किसी प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, आपने भले ही दो चार काम कर चुके हैं, फिर भी अपने आप को हमेशा न्यूट्रल समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड समझना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपके लिए हर एक प्रोजेक्ट अगर आप समझेंगे एज एन एक्टर कि मेरे लिए नया है, मेरे लिए चैलेंजिंग है और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपका जो ये करने वाला जो डिटर्मिनेशन है ना, वो आपकी स्ट्रगल को, आपकी जो कहते हैं ना मुश्किल चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, आपको लगता होगा कि नहीं होगा, नो कन्फ्यूजन है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। डाउन टू अर्थ रहे, ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहे और अपना काम अच्छे से करके दे, बेस्ट दे, अच्छे से समझ के दे। एक पढ़ा लिखा एक्टर जब परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, और एक नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा एक्टर अगर परफॉर्मेंस देता है तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, और वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा डायरेक्टर है, इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, स्मार्ट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर आप सीरियल में हो या किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो जो यू नो काइंड ऑफ ओके एवरेज, आपका परफॉर्मेंस आपके साथ वो भी ओके एवरेज आपने किया तो उसको अच्छा ही लगेगा। सो you know when you meet people you have to be smart enough to understand what director wants and deliver. Movies mein kis tarah ke character aap karna chahenge? Oh वैसे तो negative genre mera best genre hai, negative grey to really want to be a part of, obviously main kar bhi rahi hu grey negative प्ले करती हूँ। उसके अलावा आई रियली लाइक टू प्ले सम यू नो लाइक द काइंड ऑफ चैलेंजिंग रोल। मुझे देख के वैसे तो डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ना या तो तोड़ फोड़ वाले कैरेक्टर्स होने चाहिए जहाँ पे तुम सिर्फ मार्शल आर्ट का अपना जलवा दिखा रही हो। पर मैंने बोला कि इसके अलावा भी मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं पॉजिटिव कैरेक्टर भी कर सकती हूँ, और इवन जो भी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो भी मैं करना चाहूँगी। और इवन दो नॉर्मल तो सब कोई कर लेता है, रोना धोना, इमोशंस एंड ऑल, बट जहाँ पे आपको चैलेंज दिख रहा हो, जहाँ पे विच इज नॉट इन योर जॉनर और नॉट इन योर हैंड एंड यू आर कम अक्रॉस एंड यू अचीव इट, दैट इज आई रियली वॉन्ट टू डू। और वो कुछ भी हो सकता है, आइदर अ साइकिक कैरेक्टर और व्हाटएवर इट इज, जो भी मेरे झोली में आएगा मैं सबको वेलकम करूंगी। हाँ, बट स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका करियर, उसकी चीज़ें सब उसके डिसीजंस पे डिपेंड करती है और स्टोरी और कंटेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपके कंटेंट इज अ हीरो बेसिकली राइट नाउ डेज, तो अगर कंटेंट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप अगर आप उस चीज़ का समझ रखते हैं तो आप हीरो हो, आप डिसीजंस ले सकते हैं अच्छी, आप अच्छी स्टोरी को हाँ करते हो तो आपकी फिल्म भी हिट होती है, आपकी चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं। मतलब आई एम बेसिकली अ पर्सन हुज अ फेमिनिस्ट बेसिकली एंड हु रियली लव टू, आई रियली लव टू प्ले सम काइंड ऑफ अ जॉनर जहाँ पे यू नो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो और वुमेन्स ओरिएंटेड कंटेंट हो, आई रियली वॉन्ट टू प्ले। जो हमें देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे भी जो हमसे जुड़े हैं वो हमें देखते हैं, तो जैसे कोई एक्टिंग में या फिर डायरेक्शन में या सिनेमेटोग्राफी में आना चाहता है तो आपकी तरफ से उन्हें क्या सजेशन रहेगा, क्या राय रहेगा कि वो इस फील्ड में आए तो सबसे पहला कदम वो क्या रखे? सबसे पहला हमारे लिए एक हमारे लिए एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम फिल्म एडुकेशन में भी है, फिल्म फेस्टिवल में भी है और प्रोडक्शन में भी है, तो इसीलिए अमित और ये हर वक्त सभी से हम ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। या प्लीज कंटिन्यू। नाइस नाइस, नहीं अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं आने वाले जनरेशन को, आने वाले एक्टर्स को एक ही सजेशन दूंगी कि पढ़ लिख कर आओ, एक्सपीरियंस लेकर आओ. एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक चैप्टर में, हर एक जर्नी में. अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आते हो, अब ये बोलोगे कि एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं सेट का, एग्जैक्टली पहले तो काम किया नहीं है, काम करूंगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा. तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगी, माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस सेट पे होना ऊपर लाइफ का तो होना चाहिए. जब आपका लाइफ एक्सपीरियंस होगा समझने का, आपको कहते हैं ना, आप उसको समझने की, आप इतनी इंटेलिजेंट हो कि आप उस सिचुएशन को समझ पाते हो, तभी तो आप एक अच्छी डायरेक्टर बन पाओगे, एक सिनेमेटोग्राफर बन पाओगे. जिंदगी में हर एक चीज, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, व्हाटएवर पीपल हमारी इंडस्ट्री से, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो और अनुभव करो, उसको समझो. जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, जो भी कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होते हैं ना, उसको समझकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप डिसीजंस लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, वो डिसीजंस आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको नॉलेज देता है, आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, चाहे आपको एक पेन ही क्यों ना खरीदना हो, चाहे आपको एक पेन ही क्यों ना डिजाइन करना हो, चाहे कुछ ऐड ही क्यों ना बनाना हो, हर एक चीज मैटर करता है. क्योंकि सिनेमा इज अ मीडियम जो हम, जहाँ पे हम, वेयर पीपल वी कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, राइट. हम कुछ भी बनाते हैं, अगर अच्छा बनाएंगे तो अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, बुरा बनाएंगे तो बुरा इन्फ्लुएंस होगा. स्टोरी, कंटेंट, हर एक चीज मैटर करता है. अगर आपका कैमरा एंगल अच्छा है और आपके डायलॉग्स नहीं है सीन में, तो कहते हैं ना खामोशी की भी एक जबान होती है. तो आप बिना कुछ कहे भी उस कैमरे एंगल से, उसकी लड़की, अगर कोई एक्टर है उसका इमोशंस दिखाना चाहते हैं, और अगर सेंसिबल और एक्सपीरियंस सिनेमेटोग्राफर होगा, यू कैन पोर्ट्रे वेल. अगर कोई सेंसिबल और इंटेलिजेंट डायरेक्टर होगा, तो उसको बोलने की या अपनी हर चीज को, सीन को डायलॉग्स के थ्रू बोलने की जरूरत नहीं होगी. वो बहुत सारी चीजें जो सबटेक्स्ट में निकल जाती है. तो ये सब चीजें अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है. मैं अभी रिसेंटली इम्तियाज अली जी का एक कॉन्सर्ट था, उसमें मैं उनसे मिली थी, और उनकी जो कुछ बातें थी वो मैं सुन रही थी, जिसमें उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी कही. पता है क्या कहा, कि उनकी जितनी भी सिनेमा है, जितनी भी फिल्म है ना, वो सब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहा है, और वो हिस्सा उन्होंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसको समझा और उसको पेपर से लेके सिनेमा तक रखा. इवन उनकी जो एक रिसेंटली फिल्म आई थी अमर सिंह चमकीला, उसकी सेलिब्रेट सिनेमा हो रहा था, तो वहां पे मैं गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि उन्होंने चमकीला कैसे बनाया, और हाउ ही इन्वॉल्व न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टोरी. स्टोरी पुराना है बट टेक्नोलॉजी नया है. उनकी जो पुराने टाइम पे सिंगल जब गाते थे तो गाते थे स्टेज पे गाते थे, उन्होंने सब टेक्स्ट डाला है जब वो गा रहे हैं, और ठेठ पंजाबी में गा रहे हैं, तो उन्होंने ऑटो जनरेट किया हुआ सब टेक्स्ट है जो हिंदी में है. तो यू नो व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस. जहाँ पे आपको जो मिल रहा है आपने उसको लिया, ऑब्जर्व किया और उसको इम्प्लीमेंट किया.